नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो साल के किसी भी सीजन में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये सर्दी के मौसम में तकलीफ देती है। इसमें पेशेंट को गले में तकलीफ होती है, उसे इरिटेशन होता है, उसे खुजली जैसी महसूस होती है, गले के अंदर पेन भी उसको होता है। और यह पेन तब बढ़ जाता है जब पेशेंट कोई चीज़ खाता है या इवन वो पानी भी पीता है, उसको स्वालो करता है, तो उसे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। दोस्तों, यदि इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो इसे हम सोर थ्रोट कहेंगे या फेरेंजाइटिस कहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फेरेंजाइटिस या सोर थ्रोट क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किन कारणों से ये हमें हो जाता है, हमें क्या प्रिवेंशन रखना चाहिए और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोर थ्रोट का सबसे बड़ा कारण तो वायरल इन्फेक्शन ही है, जैसे कि फ्लू हो जाना, कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम हो जाना, तो इसमें सोर थ्रोट की समस्या पेशेंट को हो जाती है। हाँ, इसके कई और दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि किसी किसी पेशेंट को धूल की एलर्जी, फंगस की एलर्जी या कई अन्य तरह की एलर्जी के कारण पेशेंट को सोर थ्रोट की समस्या हो जाती है। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि जब मौसम थोड़ा खुश्क होता है, मतलब मौसम में ड्राइनेस होती है, तो पेशेंट को गले में यह तकलीफ़ हो जाती है और उसको भी गले में ड्राइनेस और रफनेस फील होने लगती है, उसके कारण उसको गले में खुजली चलने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, तो इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। एक चीज़ और देखी गई है कि लोगों को इरिटेंट किसी केमिकल यदि निकला है फैक्ट्री से, उसके कारण तकलीफ हो रही है, या फिर घर में पेंट करवाया है तो उसके केमिकल से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है, या फिर कभी कभी किसी को स्पाइस, किसी मिर्च से या स्पाइस से भी ये तकलीफ हो सकती है, और टोबेको स्मोकिंग से भी लोगों को इस तरह की तकलीफ हो सकती है। सोर थ्रोट के सिम्टम्स बहुत कुछ उसके कारणों पर डिपेंड करते हैं। इसमें नंबर वन सिम्टम्स ये होता है कि पेशेंट को गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है और कोई भी चीज़ वो निगलता है या खाता है तो उसके गले का दर्द बढ़ जाता है। पेशेंट को गले में इरिटेशन महसूस होगा, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, उसे कंजेशन होगा, और जब फिजिकल एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट का जो अंदर से जो गला है वो लाल दिखाई देता है। पेशेंट को टॉन्सल भी बड़े हुए हो सकते हैं और गले के आसपास जो ग्लैंड होती हैं उनमें भी स्वेलिंग मिल सकती है। इसमें पेशेंट को खुजली जैसी महसूस होती है गले में और वो बार बार अपना थ्रोट क्लियर करना चाहता है। इसमें पेशेंट की आवाज़ भी चेंज हो जाती है, उसे होसनेस ऑफ वॉइस की शिकायत हो जाती है, जैसे कि गला बैठ जाता है, ऐसे उसकी आवाज़ निकलती है। जब यह इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है तो पेशेंट को गले के अंदर की तरफ वाइट पैचेस हो जाते हैं और इनमें पस भी बन सकता है। दोस्तों, सोर थ्रोट के सिम्टम्स केवल गले तक ही सीमित नहीं होते हैं। इसमें पेशेंट को बुखार आ सकता है, उसको बॉडी एक हो सकता है, साथ में हेडेक भी मिल सकता है, और यदि मान लो उसको फ्लू के कारण ये कंप्लेंट हुई है तो उसको छींकें आ सकती हैं, उसको कोराइजा मतलब नाक बहने वाली शिकायत हो सकती है, या साथ में खांसी भी हो सकती है। यदि अब हम सोर थ्रोट के प्रिवेंशन की बात करें तो दोस्तों, आपको मैंने पहले मेंशन किया है कि यह जो बीमारी है ये वायरल इन्फेक्शन के कारण हो जाती है और ये बीमारी कॉन्टेजियस होती है, इसलिए साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खाना खाने के पहले हाथों को अच्छे से वॉश करना है, टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी अच्छे से हैंड वॉश करना है, और यदि किसी पेशेंट को ये बीमारी है तो उससे दूरी बना के रखनी है, क्लोज़ कांटेक्ट नहीं करना है, बार बार अपने हाथों को फेस से टच भी नहीं करना है। यदि इस बीमारी में यह ध्यान रखा जाता है तो इस बीमारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर जो मेडिसिन आती है दोस्तों, उसको इस तरह की तकलीफ के लिए फर्स्ट लाइन मेडिसिन भी कहा जाता है, और एक्यूट मतलब ये कि तकलीफ हुई है और उसी टाइम इमीडिएटली इस मेडिसिन को शुरू कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि पेशेंट को जब गले में बहुत ज़्यादा रेडनेस मिलेगी, साथ में यदि उसको बुखार आ रहा है, उसके टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तब भी बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों,
यदि दो लाइन में इस मेडिसिन को डिस्क्राइब करूं तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है गले में, इवन उसको थूक निगलने में भी तकलीफ होती है, और दूसरा उसको गले के अंदर की तरफ रेडनेस दिखती है। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है हिपरसेल्फ। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को गले के अंदर बहुत चुभने वाला दर्द होता है, और वो लिक्विड तो फिर भी सॉलो कर लेता है, लेकिन सॉलिड फूड खाने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसका पेन गले से कान तक जाता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो हिपरसल बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। अब हम मार्कसॉल की बात करेंगे। दोस्तों यह दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट का गला फिजिकली एग्जामिन किया जाता है तो वो रेड और ब्लूइश कलर का दिखता है। इसमें भी पेशेंट का जो पेन होता है वो स्टिचिंग सेंसेशन मतलब कांटे चुभने जैसा होता है और उसका दर्द कान तक जाता है। इसमें पेशेंट को गले में और मुंह के अंदर छाले मिलते हैं, उसको थूक भी बहुत ज़्यादा बनता है और इसमें पेशेंट की कंप्लेन वेदर चेंज में बढ़ जाती है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है एकोनाइट, पर यह मेडिसिन मुझे सबसे पहले बतानी थी क्योंकि एकोनाइट जो दवाई है होम्योपैथी में हमेशा एक्यूट कंडीशन में दी जाती है। मींस मान लीजिए यदि कोई पेशेंट एकदम ठंडी हवा में गया है और आते से ही उसके गले में चुभन होने लगी, दर्द होने लगा, तो उस टाइम जितनी जल्दी हो सके यदि एकोनाइट 30 के डोजेस दे दिए जाते हैं तो पेशेंट को इमिडिएटली रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसमें भी पेशेंट को गले के अंदर रेडनेस मिलेगी, उसको पेन जो होगा वो थ्रॉबिंग कैरेक्टर होगा, मींस ऐसे ठप 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 वाला पेन का कैरेक्टर मिलेगा। यदि इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं और बहुत ही एक्यूट कंडीशन में एकोनाइट दे सकते हैं। दोस्तों गले की प्रॉब्लम पर बनाया हुआ यह वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।